एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सभी को जय माता दी। ये है मेरा पार्ट टू वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हो जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, बिकॉज वो वीडियो में मैंने बहुत सी बातें ऐसी बोली थी कि जिनको देखने के बाद ही आप ये चीज़ देखो तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मतलब आप वैसे तो देते ही हैं, लेकिन थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों के हिसाब से, अपनी राय छोड़िएगा। तो मुझे जिन्होंने बोला था कि मेरे रिएक्शन देने से उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो मैं सिर्फ इतना प्रूफ देना चाहती हूँ उन्हें कि उसने आज लव स्टोरी पार्ट डाला था। लव स्टोरी पार्ट में उसने खुद से बोला था कि मैंने एक तो कफ हिट किया था जो कि मैंने कम्युनिटी में डाल दिया, आई एम इन लव। ठीक है, वो लव जो था उसका, वो प्यार वाला जो लव उसने डाला, वो उसने खुद बताया कि मैंने जिस वीडियो में प्यार लिख दिया, वो वीडियो ट्रेंड मतलब वायरल हो रही थी, उस पर व्यूज़ अच्छे आ रहे थे। ठीक है, मैंने देखा कि प्यार शब्द मैं कहीं पर भी डाल रही हूँ तो मेरी वीडियो चल रही है, और अगर मैं प्यार नहीं लिख रही तो मेरी वीडियो डाउन जा रही है। तो जो हमारा यूट्यूब क्रिएटर होने के नाते एक ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ अगर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नॉर्मल टिक भी आ रहा है उसके आगे, तो इसका मतलब वो वीडियो सही है, उसकी रैंकिंग ठीक जा रही है। लेकिन अगर किसी वीडियो का ग्राफ डाउन में जा रहा है तो इसका मतलब वो वीडियो आगे चलने लायक है ही नहीं और उसकी अर्निंग बहुत कम बनने वाली है। तो वो चीज़ हमें क्रिएटर को एक दो घंटे में ही पता लग जाता है वीडियो को अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो वो बात उसने खुद से अपने वीडियो में क्लियर कर दी। उसके बाद उसने सामने से ये भी बोला कि जब मैं प्यार लिख रही थी तो वीडियो अच्छी चल रही थी, लेकिन उसी प्यार को मैंने हस्बैंड में बदल दिया, मैंने कन्वर्ट कर दिया प्यार और हस्बैंड, मतलब प्यार की जगह मैंने हस्बैंड लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि जो प्यार से व्यूज़ आ रहे थे उससे और एक्स्ट्रा मेरे हस्बैंड वाले शब्द को जोड़ते ही व्यूज़ बढ़ गए, है ना। अब ये क्लिकबेट नहीं है तो आप मुझे बताओ क्या है? जब एक तरफा प्यार इसने अपनी कहानी में सुनाया कि मैं उस बंदे को अभी तक प्रपोज़ भी इसने अब किया, उसको इसका कहना ऐसा है कि इसने सोशल मीडिया पे उसे प्रपोज़ किया है, लेकिन वो सारी कहानी तो मैं आपको रिएक्शन पूरा दूंगी इसके अगले वीडियो में। हो सकता है पार्ट थ्री बना दूँ इसका या फिर अलग से एक वीडियो बना दूँ, तो वो कहानी तो मैं आपको उसमें सुनाऊँगी कि इसकी लव स्टोरी का पूरा एंड और स्टार्ट क्या है। ठीक है, अपने हिसाब का जो मुझे समझ में आया। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं। आपको लगता है कि रिएक्शन से आ रहे हैं, हो सकता है रिएक्शन से आ रहे हो क्योंकि कई लोग वीडियोज़ इसके नहीं देखते हैं, वो सिर्फ मतलब क्लिक करके रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं उस वीडियो को, या फिर अपना कुछ गंदा कमेंट करने के लिए जाते हैं जबकि उनको वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो लोग सिर्फ रिएक्शन देखते हैं, है ना। तो व्यूज़ ऑफ नंबर ऑफ़ व्यूज़ हमें बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर वीडियो रैंक कर रही है नहीं कर रही है, कैसा एवरेज ड्यूरेशन आ रहा है, व्यूज़ का ड्यूरेशन आ रहा है, जो भी आ रहा है वो एक क्रिएटर जानता है, हम लोग नहीं जानते। ठीक है, एज अ व्यूअर। ठीक, तो इन्होंने अपने मुंह से खुद बताया कि जब मैंने प्यार शब्द लिखा तो व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, उससे पहले जो नॉर्मल वीडियो डाल रही उस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके बाद प्यार लिखा, लव लिखा तो आपने व्यूज़ अच्छे दिए, उसके बाद मैंने प्यार को हस्बैंड में कन्वर्ट कर दिया अपनी मर्ज़ी से, जबकि कुछ था नहीं मैंने फिर भी कर दिया, लेकिन जब इन्होंने वो कर दिया तो उसके बाद इनके व्यूज़ हो गए अप, वीडियो और ज़्यादा मतलब अच्छे से चलने लगी, रैंक करने लगी, चैनल पे बूस्ट मिलने लगा, चैनल की व्यूज़ ड्यूरेशन जो होती है वो बढ़ गई, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होती है वो बढ़ गई। जब वो बढ़ गई तो वीडियोज़ अच्छी चलने के लिए चांसेस मिल गए। कमेंट लोगों ने गंदे गंदे बेशक किए, लेकिन मतलब लोगों ने उसमें टाइम देकर कमेंट किया। जब वीडियो को देखोगे तभी टाइम दोगे, तभी वीडियो के अंदर की कहानी आप नीचे लिख पाओगे ना कि भैया उसने क्या झूठ बोला, उसका झूठ पकड़ना भी तो पड़ेगा आपको, तो उसका फ़ायदा हुआ उस चीज़ में। ठीक है, अब उसने तीन वीडियो रोज की डालनी शुरू कर दी, तीनों वीडियो पे आप जा जा के देख रहे हो, तो जो चैनल डाउन में जा रहा था वो चैनल अपने आप ऊपर चला गया। तो जितने लोगों ने पहले रिपोर्टिंग की है उनकी रिपोर्टिंग हो गई गड़बड़, क्योंकि उसने क्लिकबेट ऐसा धमाकेदार कर दिया कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। अब हर दूसरे दिन बंदा ये तो बोल नहीं सकता कि प्यार के साथ ये हो रहा है, प्यार के साथ वो हो रहा है,
फिर उसने हस्बैंड बना के और हस्बैंड के साथ में कहानी गानी शुरू कर दी, मेरा लहंगा आया, मेरा ये आया, मेरा वो आया। ठीक है, वो सारा कंटेंट आज की डेट में हमारे सामने है कि वो सब झूठ था। ये चीज़ समझ गए आप? क्योंकि जिस इंसान को सिर्फ इसने प्रपोज़ किया है, मैं तो अभी ये भी नहीं बोलूँगी कि इसने प्रपोज़ किया है कि नहीं किया है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि इसके मुँह की बात है। अभी अगला रिएक्शन ज़रूर देखना, उसमें मैं अपनी पॉइंट रखने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं इसी की बातों पे बात कर रही हूँ कि इसने बोला कि मैंने प्रपोज़ किया है सोशल मीडिया पे, अभी फ़िलहाल में, अभी करंट सिचुएशन में। तो जब से ये कंटेंट आ रहा है तब से लेकर और अभी तक, इसका मतलब इस बीच में कोई चीज़ नहीं हुई ना। इसने तो ये भी बोला मैं उनसे बात भी नहीं करती हूँ पर्सनली तौर पर। तो जब बात तक नहीं करती है तो फिर हस्बैंड ने खरी खोटी कैसे सुनाई इसको, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ। ससुराल वालों ने इसको सामान श्रृंगार का कैसे भेजा, लहंगे कैसे आए बताइए आप मुझे, ज्वेलरी कैसे आई इसके घर तक, हस्बैंड जी ने इसके घर का नक्शा कैसे देखा, आप मुझे सारी कहानी का रिजल्ट बताइए कि आपको क्या लगा। इस हिसाब से इसने सारे वीडियो झूठ बोले, झूठ बोले तो इसकी रिपोर्टिंग बनती है कि नहीं बनती? बनती है। ठीक, बाकी आप लोग जानो और आप समझो कि आपको क्या करना है। ठीक, तो मैं ये कहूँगी कि सारा कंटेंट फिर झूठा था ना, सच तो कुछ नहीं था, क्योंकि सच तो इसने आज अगर ये बोलती है कि मैंने सच बोला तो उस सच को देखने के बाद तो हमें यही दिखा। दूसरी बात, इन्होंने अपने मुंह से बोला कि अपनी कहानी में, चलो कोई बात नहीं, मैं इस बात को ऐड करूँगी अगले पार्ट में, क्योंकि ना क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मैं चाहती नहीं हूँ कन्फ्यूज़न हो। तो ससुराल से रिलेटेड एक टॉपिक था, इनके पुराने ससुराल से, वो भी इन्होंने अपने वीडियो में बोला, उसको मैं अगले वीडियो में ऐड करूँगी और आप ध्यान से सुनना उसको भी। तो आप लोग मुझे अभी इतना बताओ कि ये इंसान जो है, बेशक इसको प्यार है, बेशक इसको प्यार नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना उस चीज़ से, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इसने अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया कि नहीं बनाया, आप मुझे बताओ। आज की वीडियो अगर इसने बोला कि मैं सच बोल रही हूँ एकदम, तो मैं उसी सच पे बात कर रही हूँ कि इसने फिर इतनी कहानी हम लोगों के साथ में किस बेसिस पे शेयर की, जब इसने उस इंसान से बात तक नहीं की आज तक, मतलब फ़ेस टू फेस इसने आज तक उससे बात तक नहीं की, तो ये उस चीज़ को कैसे कैसे इमेजिन करके हम लोगों के साथ में रख रही है। आप देख रहे हो, एंगेजमेंट का लहंगा, मेहंदी का लहंगा, शादी का लहंगा, है ना, और मांग भरकर इस औरत ने एक विधवा औरत का मजाक बनाया है। आप लोगों के हिसाब से क्या ये सब चीज़ें ठीक थी? मुझे नहीं लगता। और अगर ये बोलती है कि वो सच में इसने शादी की है तो शादी वाला फिर प्रूफ ला कर दे हमें, और अगर इसने शादी नहीं की है तो इसने मांग कैसे भरी, मंगलसूत्र कैसे पहना, उस चीज़ की हमें बताए, है ना। और ये जो लहंगे वाले वीडियोस डाले वो किस बेसिस पे और क्या सोच कर डाले, कैसे बेवकूफ़ बनाया है इसने ऑडियंस को, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो चलिए, इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ यहीं पर। आप लोग ये सारी कहानी मुझे अभी कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगी उसमें आप लोगों को प्रॉपर रिएक्शन दूंगी। इसने जितनी कहानी हम लोगों के साथ शेयर की है, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी उसमें भी, आप लोग सुनिएगा, समझिएगा और जो आपको लगता है वो लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट टू है ये, पार्ट थ्री बहुत जल्द आएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।